पुतला भी है दोस्तों, जो गांधी जी ने बनवाए थे। सबसे पुरानी यहाँ पे जो तस्वीर है, इस प्रकार से भितिहरवा गांधी आश्रम दिखता था पहले। गांधी जी का स्टैचू बना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबको हमारे ब्लॉग चैनल नोमादिक आकाश में। तो दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं नरकटियागंज से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पे भितिहरवा गांधी आश्रम। इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भितिहरवा गांधी आश्रम का पूरा नजारा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं अभी अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आने से पहले यहाँ पे हम लोग को एंट्री करना पड़ता है। यहाँ पे एंट्री होता है, देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको हम दिखाएंगे गांधी आश्रम का पूरा नजारा, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे गांधी जी का तस्वीर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से नजारा, ये है संग्रहालय कक्ष, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू बना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक कस्तूरबा गांधी जी का तस्वीर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मोहनदास करमचंद्र गांधी, इनका तस्वीर यहाँ पे बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तस्वीर के बैनर भी यहाँ पे लगाया गया है। दोस्तों ये संग्रहालय कक्ष है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, ये देख सकते हैं दोस्तों अंदर का नजारा, ये देख सकते हैं चारों तरफ गांधी जी का ही तस्वीर यहाँ पे लगाया गया है। दोस्तों यहाँ पे इनका स्टैचू बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ यादें तस्वीरें हैं गांधी जी के। और दोस्तों यहाँ पे चलिए कुछ अंदर और भी दिखाने का प्रयास करते हैं आपको, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सब संग्रहालय है दोस्तों। यहाँ पे चारों तरफ गांधी जी का ही तस्वीर लगाया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी का तस्वीर। यहाँ से अब बाहर का कुछ नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों जब गांधी जी यहाँ पे आए थे तो इसी कमरे में वो ठहरे थे, अभी इस कमरे का नजारा दिखाएंगे आपको, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं, यह है नील का पौधा, और इस नील के खेती को इस तरह से की जाती थी जिसका ये तस्वीर है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पानी से भरे हौज में नील को सड़ने के लिए रखना, इस प्रकार से कुछ खेती किया जाता था। ये नील के खेती के पुराने चित्र है दोस्तों, यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ यादें तस्वीर भी यहाँ पे लगाई गई है, बेतिया रानी का आवास, बेतिया रानी का आवास ये है दोस्तों। तो यहाँ पे भितिहरवा गांधी आश्रम के सबसे पुरानी तस्वीर, जो कि सबसे पुरानी यहाँ पे जो तस्वीर है, इस प्रकार से भितिहरवा गांधी आश्रम दिखता था पहले, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये जो पूरा मकान दिख रहा है ये गांधी जी ने खुद बनवाए थे,
और तब से लेकर के अब तक ऐसा ही है, बस इसमें पेंटिंग किया गया है और बाकी ऊपर का जैसा था वैसा ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गांधी जी का 3 बंदर, यहाँ पे बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, यदि युवक अच्छे तौर तरीके नहीं सीखते हैं तो उनकी सारी पढ़ाई बेकार है। महात्मा गांधी, यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको भी दूसरे के प्रति न्याय बरतना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ स्तूप का पिक्चर लगा है। और यहाँ पे देखिए एक कुआं, इसके अंदर एक कुआं भी है दोस्तों जो गांधी जी ने बनवाए थे। ये देख सकते हैं दोस्तों पानी है। इसमें अभी भी पानी है। और आगे चल के यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी का स्टेचू बना गया है। यहाँ पे माँ कस्तूरबा देख सकते हैं दोस्तों। और आगे चल के आपको दिखाते हैं कुछ और नजारा। ये देख सकते हैं दोस्तों संग्रहालय कक्ष 4 में हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। ये देख सकते हैं कुछ इमेजिंग पिक्चर लगा हुआ है दोस्तों, कुछ यादें। यहाँ पे गांधी जी का देख सकते हैं जो चरखा चला रहे उस टाइम का ये पिक्चर बनाया गया है दोस्तों आर्टिस्ट के द्वारा। यहाँ पे देखिए दोस्तों नील का खेती हो रहा है यहाँ पे किस प्रकार से। यहाँ पे देखिए गांधी जी चरखा चला रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा चंपारण में लिखे गए पत्र, इनका हैंड राइटिंग देखिए दोस्तों, ये इनके द्वारा लिखा गया पत्र है। यहाँ पे देखिए दोस्तों किस तरह से पानी के द्वारा नील का खेती होता था पहले। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे संग्रहालय कक्ष 3 नंबर में, तो चलिए आइए इसका भी हम इसके अंदर का नजारा दिखाते हैं आपको। अंदर आइएगा थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अलग अलग तस्वीरें लगा, जैसे यहाँ पे वानराज की विष्णु प्रतिमा लगा है, सहोदरा मंदिर का पिक्चर लगा है यहाँ पे माता का, यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम विष्णु प्रतिमा लगा गया है, ये सारी वही है। यहाँ पे सहोदरा मंदिर का पिक्चर लगाया गया है और यहाँ पे सोफा मंदिर, यहाँ पे सोमेश्वर नाथ मंदिर अरेराज का पिक्चर लगाया गया है। और इधर से दिखाई, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ के तस्वीर लगाया गया है, केसरिया का बौद्ध स्तूप का पिक्चर लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है दोस्तों पिपरा कोटी के नील फैक्ट्री के नीला का अवशेष। और दोस्तों यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि कोई इसको ज्यादा छेड़छाड़, इसमें ज्यादा कोई बदमाशी ना कर सके। यहाँ पे देख सकते हैं सब सारे फेमस प्लेस का यहाँ पे तस्वीर लगाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं वाल्मीकि आश्रम जटाशंकर परिसर का पिक्चर लगाया गया है दोस्तों। यहाँ पे लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ का पिक्चर लगाया गया है दोस्तों। केसरिया का बौद्ध स्तूप जो कि पहले दिखाए थे वही है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं वाल्मीकि आश्रम का तस्वीर लगाया गया है, मंदिर का तस्वीर लगाया गया है दोस्तों।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाए आपको भीतिहारवा गांधी आश्रम का पूरा नजारा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं। तो जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।